5 similar games like Password in Android mobile phone. Well, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसी बढ़िया spectacular amazing game जो बहुत ही brand new है और ये एकदम original Password की carbon copy है. तो already मैंने पहले से ऐसे 5 अलग अलग videos upload किए थे जिससे मैंने total 25 Password like Android game आपके साथ शेयर करी थी. तो अगर इनके हिसाब से एक भी एपिसोड मिस हो गया हो तो मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है, आप वहां से चेकआउट करके देख सकते हो. तो ये है 6 और आज मैं आपको जितनी भी गेम्स बताने वाला हूं मैंने खुद से खेल के देखी है, मुझे बेस्ट लगी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं. और हाँ, ये सारी की सारी 5 गेम प्ले स्टोर में अवेलेबल है फ्री टू प्ले. अगर आपको किसी को भी ढूंढने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो लिस्ट की पहली गेम है अमेरिकन सर्वाइवल एनिमी आरपीजी. इसके डेवलपर्स है हेलियोई गेम्स एंड ये एप्पल iOS एंड एंड्रॉइड वर्जन में दोनों अवेलेबल है. इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 375 MB के आसपास है और इसके अब तक प्ले स्टोर में मोर देन 1 lakh के भी ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं. तो वेल ये गेम बिल्कुल Password जैसी है लेकिन यहाँ पे हमें कोई बहुत बड़ा 3D ओपन वर्ल्ड मैप देखने को नहीं मिलेगा और ना ही हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन शूटर स्टाइल बन के खेल सकते हैं क्योंकि ये एक तरह की स्ट्रेटेजी बेस्ड सर्वाइवल RPG एडवेंचर गेम है. और यहाँ पे भी हमें वही सब सेम चीजें करनी होती है जैसे हम ओरिजिनल Password में करते हैं, जैसे कि एमिकिन टाइप के क्रिएचर्स पकड़ना, उनको टीम करना, उनसे अपने बेस का सारा काम करवाना, उनके जरिए दूसरे हाई लेवल के पास पकड़ना, क्राफ्टिंग, माइनिंग, हंटिंग, वुड चॉपिंग, वही सारी सेम बेसिक सर्वाइवल की कॉमन चीजें करना जिससे हम अपने खुद का लेवल इंक्रीज कर सके और अपने बेस को और भी ज्यादा एक्सपांड कर सके. तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, वेपन्स देखने को मिलते हैं हमें जैसे ओरिजिनल Password में होती है. फॉर एग्जाम्पल वर्क स्टेशन, वर्क बेंचेस, पिकैक्स, स्कैवेंजर क्लब, फर्नेस, बॉनफायर, स्टोरेज बॉक्स, रिपेयर बेंच, फीडर एंड मच मोर. तो वैसे देखा है तो ये गेम काफी ज्यादा यूनिक एंड चैलेंजिंग है लेकिन थोड़ी लिमिटेशंस भी है जैसे कि वुड कटिंग एंड स्टोन माइनिंग करने के बाद सेम वही ट्रीज एंड स्टोन्स दोबारा रिस्पॉन रीअपीयर नहीं होते हैं और कई बार हमारी इन्वेंट्री बैकपैक बहुत ही इजीली पूरे भर जाते हैं जिसके जरिए हम और भी ज्यादा एडिशनल रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं कर सकते हैं. लेकिन फिर भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस गेम को एक बार जरूर से खेल के देखना ही चाहिए. वेलिस्ट की दूसरी गेम है डॉन लैंड. इसके डेवलपर्स है सीसन गेम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इसके अब तक प्ले स्टोर में 1 million के भी ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं और इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 3 GB के आसपास है. लेकिन आपके पास एक अच्छा एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए क्योंकि ये गेम पूरी तरह से ऑनलाइन है. और हाँ, यहाँ पे इस गेम का थीम एंड कॉन्सेप्ट Password एंड जेंशन इंपैक्ट जैसा है. यहाँ पे हम एक बहुत बड़े अननोन आइलैंड पे अकेले ही सर्वाइव करना होता है, डार्कनेस, डीमंस, बुराइयां, इविल पावर्स को ढूंढ के मारना होता है और बहुत सारे अलग अलग टास्क, ऑब्जेक्टिव्स एंड साइड क्वेस्ट मिशन कंप्लीट करने होते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें पास या एमेकिन जैसे पॉकीमोन क्रिएचर्स देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही हम उन्हें अपने पास पेयर में कैप्चर कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है. लेकिन फिर भी हम अलग अलग ब्रीड के हॉर्सेस को टीम कर सकते हैं, उनके जरिए इस पूरे आइलैंड के हर एक रीजन, रेलिक्स, बायोम्स, लैंडस्केप, सिविलाइजेशन को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं. उसी के साथ हमें यहाँ पे मोर देन 100 डिफरेंट क्राफ्टिंग मटेरियल्स देखने को मिलेंगे जिसके जरिए हम अपना खुद का एक ड्रीम हाउस बना सकते हैं. और हाँ, ये एक MMORPG मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम भी है, यानी कि हम अपने 4 दोस्तों के साथ ऑनलाइन मिलकर एक सिंगल वर्ल्ड में खेल सकते हैं ग्रुप बना के. इसी के साथ साथ हम अपने कैरेक्टर का अवतार, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, फेशियल फीचर्स, जेस्टर्स अपने अकॉर्डिंग फुल्ली कस्टमाइज करके भी बना सकते हैं. तो इस गेम की स्टोरी लाइन बहुत जबरदस्त है और इसकी ग्राफिक्स, फिजिक्स, विजुअल, साउंड इफेक्ट, एनिमेशन, कस्टम्स एकदम PC कंप्यूटर गेम जैसी है. तो इससे आपको एक बार जरूर से क्रिकेट देखना ही चाहिए. तो लिस्ट की तीसरी गेम है लास्ट वर्ड. ये एक बहुत ही ज्यादा नई गेम है, बस इसी हफ्ते रिलीज हुई है. इसका जो डेवलपर है वो हमारे देश से ही है, HGS हिट गेमिंग स्टूडियो. तो अभी ये गेम अर्ली एक्सेस में है, पूरी कंप्लीट नहीं बनी है, इसका बस अभी बीटा टेस्ट वर्जन रिलीज हुआ है. लेकिन फिर भी ये काफी हद तक ओरिजिनल Password की सस्ती कॉपी है और अब तक इसकी प्ले स्टोर में मोर देन 10,000 के भी ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं. इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 300 MB के आसपास है और ये गेम पूरी तरह से ऑनलाइन है, यानी कि आपके पास एक अच्छा हाई स्पीड एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए. तो यहाँ पे हमें काफी सारे अलग अलग नए वैरायटी के पास देखने को मिलेंगे जिन्हें हम अपने पास पीयर में कैप्चर करके टीम कर सकते हैं. लेकिन यहाँ फीचर्स की बहुत लिमिटेशन है. फॉर एग्जाम्पल, हम अपने कैरेक्टर का अवतार मैनुअली कस्टमाइज करके चेंज नहीं कर सकते हैं, NPCs अवेलेबल नहीं है, मॉडर्न एडवांस्ड वेपन्स, टूल्स, हथियार भी नहीं है, हम बहुत सारे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स, आर्टिफैक्ट, वर्कबेंचेस भी नहीं बना सकते हैं. लेकिन फिर भी ये मुझे अब तक की सबसे बेस्ट ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम लगी है जिसमें हम अपना खुद का एक बेस बना सकते हैं, अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हैं. हो सकता
सकता है कि फ्यूचर में नए अपडेट्स में फीचर्स, एनवायरमेंट, बहुत सारी चीजें ऐड करी जाए जिससे गेम और भी इंटरेस्टिंग बने, और मेरे अनुसार आपको इसे एक बार जरूर से खेल के देखना ही चाहिए। तो इसकी चौथी गेम है पाल प्लेग्राउंड वर्ल्ड। इसके डेवलपर्स है डाकी ओओओ और इसके अब तक प्ले स्टोर में 1 लाख के भी ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं। इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 120 MB के आसपास है। आप इसे ऑफलाइन बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के भी खेल सकते हो। तो वेल यहाँ पे भी सेम वैसे ही फीचर्स, कैरेक्टर्स, ओपन वर्ल्ड मैप, वेपन्स, टूल्स, टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं जो ओरिजिनल पाल वर्ल्ड में होते हैं। हम पाल्स को स्पीयर के अंदर कैप्चर करके टीम कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी मदद से दूसरे हाई लेवल के पास को नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वापस से अपने पास को स्पीयर के जरिए समन करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, हम उनसे अपने बेस का सारा काम करवा सकते हैं, जैसे कि लकड़ियां काटना, स्टोन माइनिंग करना वगैरह वगैरह, और उसके लिए हमें उन्हें एग इनक्यूबेटर में से हैश करना होता है। लिमिटेशन ये है कि हम अपना लेवल सिर्फ और सिर्फ 5 तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। रैच बना सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उस सेम रैच में पास के जरिए फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। और पूरी गेम में सिर्फ और सिर्फ 5 ही अलग अलग तरह के पास अवेलेबल है, जैसे कि चिकीपाई, लैम्बॉल, कैटिवा, लिफमंक, डे ड्रीम। ग्राफिक्स मुझे जस्ट ओके लगे हैं। गेम की डिफिकल्टी, हार्डनेस, चैलेंजेस ही बहुत आसान है, तो ओवरऑल काफी इंप्रूवमेंट चेंजेस की जरूरत है। और मेरे अकॉर्डिंग ये पाल वर्ल्ड की सस्ती चीप कॉपी है। अगर आप चाहो तो इसे भी खेल के देख सकते हो। लिस्ट की लास्ट गेम है ड्रैगन एज पाल्स एडवेंचर। एंड यस, आपको इसके नाम से समझ में आई गया होगा कि यहाँ पे ड्रैगन जैसे पोकेमॉन क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। ये एक पूरी तरह से ऑनलाइन गेम है। इसके डेवलपर्स है पिक्सेल स्पिरिट्स। प्ले स्टोर में अब तक इसकी 5 लाख के भी ऊपर डाउनलोड हो चुकी है। इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 500 MB के आसपास है, लेकिन ये गेम करंटली इंडिया के प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। आप चाहो तो VPN चेंज करके दूसरी कंट्री के सर्वर से डाउनलोड कर सकते हो, और ये बहुत ही आसान 2-स्टेप प्रोसेस है। लेकिन मैं पहले ही बोल दूं कि यहाँ पे कोई 3D ओपन वर्ल्ड मैप देखने को हमें नहीं मिलेगा, ना ही हम पास को मैन्युअली खुद सर्च करके पकड़ सकते हैं, और ना ही हम उनसे अपना बेस का काम करवा सकते हैं। तो इस गेम में कुछ भी ऐसा एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर, सर्वाइवल, क्राफ्टिंग, हंटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें अपने पोकेमॉन पास के जरिए 4v4 की टूर्नामेंट बैटल्स खेलने को मिलेगी। ओपोनेंट राइवल गैंग के टीम मेंबर्स को आके हम स्किल पॉइंट्स दे सकते हैं, अपने पास को इवॉल्व कर भी और भी मजबूत बना सकते हैं, उनका अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, एक्स में से हैच करके और नए पास बना सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे हमें एक ही आइलैंड के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज एंड बायोम्स को डिस्कवर करना होता है, और वहाँ के ऑब्जेक्टिव्स एंड साइड क्वेस्ट मिशंस कंप्लीट करने होते हैं। तो ये गेम स्टार्टिंग में काफी इजी एंड आसान लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे कॉम्प्लेक्सिटी चैलेंजेस और हार्ड होती जाएंगी। तो मुझे ये गेम ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़िया और मजेदार लगी है। और अगर आप पोकेमॉन के टूर्नामेंट, बैटल्स, इवेंट्स एंड फाइट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको इसे एक बार जरूर से ट्राई करके देखना ही चाहिए। तो वेल, ये थी वो टॉप 5 ब्रांड न्यू सिमिलर गेम्स लाइक पाल वर्ल्ड, जो कि मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट और अमेजिंग लगी है। तो कोई अगर ऐसी गेम है आपके दिमाग में जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली डिजर्विंग हो और मैंने उसको इसमें शामिल नहीं किया है, तो प्लीज आप मुझे उसका नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल पे नए आए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करो। तब तक के टेक केयर एंड बाय।